हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रशिंग टेक्निक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, और ये कॉमन पीपल के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ रोज़ाना क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हम ब्रश करते हैं और हमारे दांतों में फिर भी कीड़े लग जाते हैं। तो आज मैं ब्रशिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ फॉर डेंटल स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज़ फॉर कॉमन पब्लिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सीखते हैं बास टेक्निक। बास टेक्निक, BASS, बास टेक्निक जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग। ये बास टेक्निक, पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्यों इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारा इंटरडेंटल एरिया मतलब ये जो दांतों के बीच में जो ये गैप है, ये एरिया साफ़ नहीं हो पाता है, इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये सर्वाइकल एरिया, इस एरिया को बोलते हैं सर्वाइकल एरिया, जो कि मसूड़े के पास रहता है, एकदम दांत और मसूड़े के बीच में ये जो एरिया देख रहे हैं, इसको सर्वाइकल एरिया बोलते हैं। इसको साफ़ करने के लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। और मसूड़े वाले एरिए जो होता है, ये जो जिंजाइवा होता है, उसको भी साफ़ करने के लिए हम लोग बास टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो हमने अभी इंडिकेशन पढ़ा कि किस चीज़ के लिए हम लोग बास टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं बास टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग। 45 डिग्री, हम लोग इसको 45 डिग्री में अप्लाई करते हैं इस टेक्निक को। मैं आपको बताता हूँ कैसे इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रश लेना है, उसके बाद आपको 2 से 3 दांत, 1 2 3, ये 3 दांत को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ब्रश आपको 45 डिग्री, और जो 45 डिग्री लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के रखना है, 45 डिग्री ऐसे रखना है, ये देखिए 45 डिग्री रखना है, और 3 दांत को एक साथ लेना है। थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा, जो ये जो ब्रिसल्स हैं इसके इसके दोनों ये इंटरडेंटल एरिया के अंदर जाएंगे, तब वो, क्योंकि ये इस ब्रशिंग टेक्निक का यही मकसद है कि यहाँ से जो भी खाना फंसा है इसके अंदर, वो वहाँ से निकाल सके। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री हम लोग लेंगे इसको और वाइब्रेटिंग मोशन करेंगे। ओके, वाइब्रेटिंग मोशन करेंगे इसको लेके, ऐसे ये देखिए वाइब्रेटिंग मोशन करेंगे। ओके, तो ऐसे इसको साफ करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग फिर 3 दांत को लेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जेंटल प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सो दैट वो हार्म हो कर देगा मसूड़े को, करके फिर जेंटली वाइब्रेट करना है, वाइब्रेटिंग मोशन ऐसे ऐसे करके फिर हम लोग सारे दांत को साफ करेंगे। तो ये बास टेक्निक होता है, जो कि इंटरडेंटल, ये जो इंटरडेंटल एरिया है, यहाँ डेब्रीज खाने फंस जाते हैं और केरीज कॉज करते हैं, उसके लिए हम लोग ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पे जो सर्वाइकल एरिया है, यहाँ जो खाने फंस जाते हैं, उसको निकालने के लिए ये हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये था बास टेक्निक। ओके, इसके बाद एक कॉमन टेक्निक आता है जिसको बोलते हैं स्टिलमन टेक्निक। ओके, तो स्टिलमन टेक्निक भी यही होता है, बट उसमें क्या करना होता है, उसमें हम लोग प्लाग्स जो होते हैं वो सर्वाइकली हम लोग हटाते हैं। ओके, जो सर्वाइकल एरिया में जो प्लाग्स होते हैं वो हम लोग हटाते हैं। पर इसमें क्या है, हम लोग जो ब्रिसल्स होते हैं वो आधा हम लोग मसूड़े पे रखते हैं और आधा हम लोग दांत पे रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मसूड़े जो होते हैं वो भी मसाज हो जाते हैं अच्छे से, जो उसमें इन्फेक्शंस होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं, वहाँ से वहाँ भी क्लीन हो जाता है। तो ये दोनों मसूड़े के लिए और दांत के लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिट है ये टेक्निक। ओके, इसमें भी वाइब्रेटिंग मोशन करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वही एट अ टाइम आपको 3 टूथ ही लेना है, लेके फिर आपको ये 45 डिग्री रखना है, एंड हाफ जो ब्रिसल्स होता है उसको दांत पे रखना है, और आधा मसूड़े पे रखना है, आधा मसूड़े पे रखना है और आधा दांत पे रखना है। और उसके बाद आपको वाइब्रेटिंग मोशन करना है। ओके, वाइब्रेटिंग मोशन करना है आपको, और सॉफ्ट डेब्रिस को रिमूव करना है यहाँ से। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं, स्टिलमन टेक्निक इसे बोलते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि इससे मसूड़े भी आपके हेल्दी रहते हैं। उसके बाद यही एक टेक्निक होता है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिसे मॉडिफाइड स्टिलमन टेक्निक बोलते हैं। जो मॉडिफाइड स्टिलमन टेक्निक होता है,
उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो ये जो ब्रिसल्स है, ब्रिसल्स का जो एंड है, एंड वाला पार्ट हम लोग रखेंगे सर्वाइकली, ओके, सर्वाइकली रखेंगे एंड वाला पार्ट, और ऑब्लिक टू द लॉन्ग एक्सिस, हम लोग 45 डिग्री नहीं रखेंगे यहाँ पे, ऑब्लिक रखेंगे, 45 डिग्री नहीं रखना यहाँ पे, ऑब्लिक टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ रखना है। और इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करना है, ऐसे रखे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट रखना है। उसके बाद हम लोग को अपवर्ड लिफ्ट करना है, जो भी डेब्रीज होगा मॉडिफाइड टेक्निक में हमें ऊपर को हटाना है। अगर यही अगर ऊपर वाले दांत होंगे तो हमें यही सेम ऐसे ही करना है, ये जो हमें जो ब्रिसल्स इसके हैं उसका जो एंड है वो रखना है, ओके, जेंटली थोड़ा सा प्रेस करना है इसको ऊपर, और उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा वाइब्रेट करके नीचे को पुश करना है, ओके, ऐसे पुश करना है ताकि ये इंटरडेंटली निकल सके, सर्वाइकली यहाँ से निकल सके। तो ये मॉडिफाइड स्टिलमेंट टेक्निक्स है गाइज, और भी टेक्निक्स है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।